तो आज का हमारा इमिग्रेशन के अपडेट्स ये है कि कंसल्टेशन के तो $50 लगे, जो हार्डली हमारा 20 मिनट्स का था। तो कंसल्टेशन हुआ, बोलेगी यही कि भाई एक साल यहाँ पे काम कर लो फिर अपना फाइल लगाना। तो काम क्या बोले कि लेंस कटिंग फिटिंग का बोले, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, तो उसी प्रोफेशन में जाके आपको करना होता है। जैसे मैं और मेरे मैडम उसी प्रोफेशन के हैं, तो बोला कि लेंस कौन सा बोला था उसने भाई हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए कौन सा बेस्ट होगा, लेंस ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग वाला कर लो, जिसके लिए कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैनेडा में 1 ईयर का एक कोई भी एम्प्लॉय के साथ आप स्टडी कर लो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो PNP OINP की बेसिस पे फाइल लगाने के लिए, जो ही हमें कंसल्टेशन में मिली। और जो मेरी ऑप्टोमेट्रिस्ट की बैकग्राउंड जो था नेपाल से, किया तो मैंने इंडिया से था, वो 4 ईयर का कोर्स था, मैंने वेस्ट भी करवा रखा था, तो 4 ईयर का ही इक्विवेलेंसी हुआ यहाँ पे। और हार्डली मुझे कितने लगे थे, नेपाली 40,000 लगे थे वेस्ट के लिए कॉलेज फी दे के। 40,000 to 45,000 में आपका वेस्ट का भी इक्विवेलेंसी हो जाता है। तो मेरा तो बैक होम एक्सपीरियंस था लगभग 3 ईयर्स का, विथिन 5 ईयर्स जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसके बेसिस पे मेरी फाइल लग जाती, पर उन्होंने सजेस्ट किया उसके लिए IELTS रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 888 7 लगभग ऐसे कुछ बोल रहे थे। उसके इतने स्कोर IELTS में लेके आ सकते हो तो आपका PR हो सकती है ना। नहीं तो दूसरा ऑप्शन मुझे ये बोला, मेरी इंग्लिश तो उतना एडवांस नहीं है, अंग्रेज़ों का खानदान के तो मैं हूँ नहीं, एक गांव से आया हुआ हूँ मैं भी, जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है ना इंटरनेट, दिए बाल के पड़ते थे भाई रात को, और ज़ोर से हवा आ जाए ना तो हम यही इंतज़ार कर रहे थे कि आज तूफान आए कि पढ़ना ना पड़े। उस गांव से हूँ मैं। ये देखिए विंटर में ऐसे लुक्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे कैनेडा में, हवा भी चल रही है ज़बरदस्त। तो वही है कहने का जिस्ट तात्पर्य मेरा, फाइनल यही इच्छा कि तपाईँले IELTSमा राम्रो गर्न सक्नु पर्यो, क्यानाडा आएर लेन्स अप्टिकलहरूमा जब गर्नु पर्यो, कसैले त इम्प्लोइमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई त आपको अगर कोही टाइटल दे रहा है लेन्स ग्राइंडर का, उसमें कोई सर्टिफिकेसन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 1 ईयर जब करो, ईच बैंड 6 लेके आओ, एक्सप्रेस एंट्री ONP में फाइल लगाओ, उसके बाद यू आर डन, आपको PR आराम से मिल जाएगा। अगर कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैसेज करिए, कमेंट शेयर जो भी हो करिए, विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, थैंक यू। और IELTS का शुरुआत हमने आज से कर दिया है। चलो भाई, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते।